मशहूर इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे परियाँ उतरती हैं रात को। कहते हैं कि यहाँ पर जो पहुँचता है वो अपनी मर्जी से नहीं, इस झील की मर्जी से। क्या बात है। भाई ने पहले बोला कि भाई को 15 दिन हुए तो करने लगे हैं। होटल रूम्स भी हैं, नीचे नदी जा रही है, बहुत प्यारा पीछे व्यू है। और मोइस भाई काफी देर से मुझे बोल रहे थे कि यार मुझे व्लॉग में ले रहे, सबसे हमें ले नहीं रहा, वीडियो में बिल्कुल हम आए ही नहीं। ये कौन सा मजाक है यार। अब बोलो और कैसे हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक है, अल्लाह का एहसान है। रात को बॉनफायर का इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। यार ट्रैवलिंग ना इंसान को काफी कुछ सिखा देती है। नए एक्सपीरियंस करते हो, मुख्तलिफ आप लोगों से मिलते हो, आपका माइंड खुलता है, बहुत ज़बरदस्त आप इंजॉय करते हैं। निमरा यहाँ पे हम रुके हैं तो जी। लड़कियों को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी। जी तो अभी क्या सीन्स ये है कि हमें ये जगह जो है वो कैंपिंग के लिए लिहाज से और हाइकिंग के ट्रैकिंग के लिहाज से बेस्ट लगी है, क्योंकि यहाँ पर रूम्स हैं, जो लोग रूम्स में जाना चाहते हैं, और वहाँ पर सामने पानी है, पहाड़ है, और यहाँ के व्यूज़ भी बहुत अच्छे। हमारे ड्राइवर साहब, ड्राइवर साहब कैसे हैं आप? कब से चला रहे हैं इतनी जबरदस्त गाड़ी? चला रहा हूं 2005 से। 2005 से चला इस भाई ने जो गाड़ी चलाई है ना, दो हाथ से। सही बात है, ऐसा ड्राइवर नहीं मिला। बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अभी हम लोग जा रहे हैं हाइकिंग पे। जा रहा है कहाँ पे, स्पॉट दिखा उस जगह। जितनी ऊंचाई हो सके कोशिश करेंगे पहुँचने की। हाँ जितनी ऊंचाई। और ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से हम सबको पैगाम। एक बड़ा चैलेंजिंग सा पुल मिला, दिखाता हूँ। मतलब यार इतना कमाल एक्सपीरियंस है राफ्टिंग की, अच्छा व्यू, और अब ये वाला जो हाइकिंग करने लगे हैं, ऊपर जाने लगे हैं। मेरी आवाज़ बैठी हुई है लेकिन फिर भी। हम तो अक्सर ट्रैवलिंग करते रहते हैं लेकिन आयशा का फर्स्ट टाइम था और आयशा को बहुत मज़ा आ रहा है। आयशा कैसी ट्रैवलिंग, कैसी है? बहुत बहुत अलग एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आ रहा है, अब वापस जाने का दिल नहीं कर रहा है। Look at the view guys, wow, amazing, amazing. यहाँ पे टाइटैनिक वाले भी करेंगे। बस आहिस्ता आहिस्ता हम सारे हाइट्स पे जहाँ जहाँ मूड हो रहा है। हम लोग कल दूसरे प्लेस पे जाएंगे, आज हमारा यहीं स्टे है। और रात को बॉनफायर है, शुगल है। और यार इस बॉनफायर में इतना दूर आके अपना कल्चरल डांस तो बनता है।
वेलकम टू डे टू। रात को अंदाज होटल रेस्टोरेंट में हम लोगों ने स्टे किया था, अभी नाश्ता करेंगे, इसके बाद हम लोग निकलेंगे। ओके, आज हम बैठ गए छत पे, मेरे साथ दाऊद भाई, अनीक साथ, हम चारों ही एक साथ रहेंगे और इन्जॉय करेंगे। जो लोग ट्रैवलिंग नहीं करते उनको क्या मैसेज देंगे आप इस हमारी ट्रिप के बाद? वो लोग उन्होंने समझो जिंदगी जी नहीं, ट्रैवलिंग से पता चलता है लोगों को, मालूम होता है और किस तरह के लोग हैं, किस तरह की जगह हैं। वो तो जो नहीं करते ट्रैवलिंग वो जो है कोई की वजह। हाँ सही बात है। मोमल जी, सारा ऑफ रोड है, डर लग रहा है ना? डर लग रहा है लेकिन बहुत मजा बहुत आ रहा है। जनाब कैसा लग रहा है? गाड़ी में पानी डलवा रहे हैं ताकि ये हीट अप ना हो। सही। और ड्राइवर सीट खाली है, दिल कर रहा है कि मैं खुद ही चलाऊं। जैसे हम जलमक्सी गए हैं और चोलिस्तान की जिस तरह व्लॉग बनाए हैं उनके ट्रैक चैलेंजेस होते हैं, तो इसी तरह ये इनके भी बड़े चैलेंजिंग ट्रैक्स हैं। और किस तरह ये लोग चलाते हैं यहाँ पे, इनके मतलब इतने ट्रेंड है कि छोटी छोटी खाइयाँ हैं, इतना लिटिल बिट एज है, वहाँ से भी ये गुजार लेते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग रोड है, लेकिन हमारे साथ जो ड्राइवर है वो बचपन से चला रहे हैं, बचपन से चला रहे थे गाड़ी, ओल्ड स्कूल पैदा होते हैं गाड़ी चलाने से। एंड दिस इज जी सैफुल मलूक। अनिक कैसा था सफर? अच्छा था, थक गए। झील सैफुल मलूक कैसा व्यू है? कहा जाता है कि यहाँ पर जो पहुँचता है वो अपनी मर्जी से नहीं, इस झील की मर्जी से। क्या बात है। तो हम खुद को बहुत खुश समझ रहे हैं।
मैंने कहा इतनी प्यारी झील सैफुल मलूक है, इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं। तो आफ्टर दैट अच्छा मैम, झील सैफुल मलूक क्यों मशहूर है? बेसिकली मशहूर इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे परियाँ उतरती हैं रात को। ये वैसे ऐस सच कभी भी कुछ भी नज़र नहीं है। तो ये जब एक्सप्लोर हुई थी तो एक जिस तरह ये एक टूरिस्ट स्पॉट है जिसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई क्लियर बात नहीं की कि आखिर क्या है यहाँ पे। कहते हैं कोई जो सैफ था वो बादशाह था इधर का, फिर उसके ऊपर जो परियाँ फिदा हो गई थी वो उसको यहाँ पर ले गई। ये सब मुझे जो है ना र्यूमर्स लगते हैं। तो बाकी जो होगी बात होगी वो देखते हैं इसके ऊपर। असल में दाऊद भाई रह गए थे पीछे। दाऊद भाई आप कौन सी टैक्सी लेके आए हैं? मैं द वर्स्ट राइडर हूं, वर्स्ट राइडर। ये आप क्या कर रही हैं भाई के साथ? ये मेरी मॉडल्स हैं। और ये मेकअप आर्टिस्ट, ये वो है मेरी मेकअप आर्टिस्ट नहीं होती, ये वो काशी की तरह नहीं नहीं सबमिट करना जरूरत है यार। करनी साहब क्या बात है यार, मुझे काम दे दो, फोटो सेशन करो यार। ये देखो मैं व्लॉग बनाऊंगा, इसकी तस्वीर खींचो। तस्वीर पहले। ये आपने क्या मेकअप मैन रखा है जो इस बार बार तस्वीर चाहिए होती है? वो लगा भी ऐसे ऐसे भूल करके ऐसे ऐसे लगा रहे हैं। कोई प्यारी बंदी दिखा दो। कराची से भाईजान थोड़ा आगे से, कराची से लोग अंदरूने बोल यार भाईजान फिर आ गए यार, तो उधर से निकल जाओ ना। हाँ भाई अच्छा एक और चीज़ होती है कि हमारा ये मसला है, हमने जिधर भी जाने ना ये नहीं करना कि हमने खाने जो खा लिए हैं जितने रैपर्स हैं उसको एक शॉपर में डाल के रख दें, नहीं हमने बस ऐसे बाहर फेंक देने। इस टाइम यहाँ पे भी इतनी खूबसूरत जगह है और जगह जगह गंदगी नज़र आ रही है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद हमारी हुई वापसी और लेक रिजॉर्ट में नारान के हमने किया स्टे। आज हम लोग वापस नारान आ चुके हैं, अब यहाँ पे करेंगे स्टे और कल सुबह निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए, फिर उसके बाद क्वेटा। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। आई नीड योर सपोर्ट, ये वीडियोस बनती रहेंगी और तुम लोग को इंटरटेन करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।